ॐ नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरि बोल। नमस्ते जी। पवित्र वचन में आपका हार्दिक स्वागतम। सृष्टि के आरंभ से ही एक तिथि बड़ी ही खास रही है, वो है कार्तिक पूर्णिमा। दोनों शिव केशव का सबसे प्रिय माह है कार्तिक। इसका महत्व सरल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसीलिए यह वीडियो में मैं हर वो चीज एक्सप्लेन करूंगी जिन विधि विधान और नियमों का पालन करना चाहिए। इस साल पूर्णिमा की तिथि 22 नवंबर और 23 नवंबर दोनों दिनों में पड़ रहा है, लेकिन 22 की पूजा अलग और 23 की पूजा में अंतर है। किस दिन कौन सी पूजा करनी है सब कुछ इस वीडियो में 22 नवंबर और 23 नवंबर में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले की बात, डेट के ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार जिस रात्रि को पूर्णिमा की घड़ियां चल रही हैं उसी दिन को पूर्णिमा मानी जाएगी। 22 नवंबर के दोपहर 12:53 को पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रहा है और साथ ही कृतिका नक्षत्र का भी संचारण अनिवार्य है, जो 22 नवंबर को ही शाम को 5:51 से शुरू हो रहा है। अगले दिन यानी 23 नवंबर को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रहा है सुबह 11:09 को, और कृतिका नक्षत्र का भी संचार शाम के 4:41 को समाप्त हो रहा है। देखिए, पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा की पूजा खास होती है। जितना महत्व दीपावली अमावस्या की है उससे काफ़ी ज़्यादा महत्व कार्तिक पूर्णिमा की है, इसीलिए आज खास तौर से चंद्रमा और कार्तिक देव की पूजा की जाएगी। ये दोनों भी उस समय करेंगे जब चंद्रमा पूर्ण स्थाय पर हो और कृतिका नक्षत्र के संगत में हो। कृतिका नक्षत्र कार्तिक देव का नक्षत्र है, इसलिए यानी कि 22 के शाम के 5:51 के बाद ही। 23 शाम तक ना पूर्णिमा तिथि है ना कृतिका नक्षत्र, इसलिए 23 को ये दो पूजा करना बिलेटेड ही माने जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत या हवन करते हैं, क्योंकि सत्यनारायण पूर्णिमा भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन है। आप उपवास या व्रत रखना चाहें तो इस दिन करें। उपवास दिन के प्रारंभ से ही की जाती है, ना कि बीच में से, इसलिए उपवास 23 से करेंगे। हमारे हिंदू कैलेंडर के माह के नाम ऐसे रखे गए थे कि उस माह की पूनम की रात को चंद्रमा जिस नक्षत्र के संगत है उसी नक्षत्र का नाम माह को अर्पित किया गया था। उदाहरण के लिए, जब पूनम को चांद श्रवण नक्षत्र के संगत हो तो उस माह को सावन कहते हैं, वैसे ही कार्तिक माह में पूनम को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र के संगत होता है। कृतिका नक्षत्र के अधिपति हैं कार्तिक देव, जिनका तत्व है अग्नि। इस तरह कृतिका, कार्तिक मास, कार्तिक देव, अग्नि। दीप अग्नि का ही प्रतीक है, इसलिए इस महीने में खास करके दीप जलाने की विधि है। नेक्स्ट, चंद्रमा मन का प्रतीक है। जिस तरह पूनम को चंद्रमा पूर्णत्व पाता है उसी तरह मन भी ज्ञान पूर्वक हो, यही कार्तिक पूर्णिमा व्रत पूजा का अंतरार्थ है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, देव देवता कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपावली मनाते हैं। जी हाँ, उनकी दिवाली आज है, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। इस मास का हर दिन पवित्र है। अगर कार्तिक सोमवार, एकादशी, तुलसी विवाह ऐसे अनेक त्योहार भी मना नहीं पाए तो केवल पूर्णिमा पर पूजा करने से पूरे महीने के व्रत और पूजा का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा महादेव और भगवान श्री विष्णु जी के सबसे फेवरेट क्यों हैं, बस इस वीडियो के पहले दो अपलोड्स, इन दोनों कथाओं को सुनने से आपको पता चल जाएगा। वैसे उन कथाओं को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर सुनना चाहिए, शुभप्रद होता है। कार्तिक माह की और भी कथाएं हैं इस चैनल में। कार्तिक माह की कथाओं में पॉजिटिविटी भरी पड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा पर ये खास करके सुने, मन प्रशांत रहेगा। कार्तिक माह में दीप दान का बहुत महत्व है। दीप दान से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन दीपों का दर्शन करने वाले जंतु भी जीवन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। चलिए अब 22 की शाम की पूजा यानी कि चंद्रमा, कार्तिक देव, माँ लक्ष्मी और साथ ही कुबेर देव, भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की विधि बताओ। 22 को हेड बात करें और संकल्प लें कि आज आप ये पूजा करेंगे। पूनम की रात यानी कि 22 शाम को हो सके तो एक बार फिर स्नान करें।
नहीं तो मुंह हाथ पैर धोकर पूजा आरंभ करना चाहिए। घर के कोने कोने में दीप जलाइए, बिल्कुल दीपावली की तरह। घर के बाहर भी दीप जलाना चाहिए। अब हम भगवान देव देवताओं की पूजा करेंगे और हर बार मंत्रोच्चारण से पहले आपको संकल्प लेना है कि कितनी बार आप मंत्र जाप करेंगे। ऐसे करने से ही मंत्रोच्चारण का फल मिलता है। शाम को सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 18 या 108 बार उच्चारण करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे आपके पूजा में पधारे और पूजा में कोई विघ्न या कोई बाधाएं ना हो, इसकी आशीर्वाद दें। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उनको त्रिपुरारी नाम दिया। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज त्रिपुरारी पूर्णिमा है, इसीलिए शिव जी को दीप अर्पण करते समय 5 कोनों का दिया जलाइए। आसन पर स्वस्तिक बनाएं, उस पर प्लेट रखें। उस पर ये दिया रखकर 5 बत्तियां देसी घी से जलाना चाहिए। सबसे पहले एक नॉर्मल दिया जलाएं, उस दिए के साथ इस 5 कोनों का दिया जलाएं। जलाते समय दाहिनी ओर की बत्ती सबसे पहले जलाकर बाहिने ओर की तरफ जाना चाहिए। ये सिंगल बत्ती का दीप हमारे आत्मा का प्रतीक है। 5 बत्तियों का दीप परमात्मा का प्रतीक है, यानी कि परम ज्योति परमात्मा को हम अपनी आत्मा अर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ये शरीर शाश्वत नहीं है। हे प्रभु, मेरी आत्मा अमर है। ये आत्मा शुद्धि के लिए निरंतर पूजा करता हूँ। मुझे दया करके मोक्ष प्रदान करें। आज ही महादेव के समक्ष 365 बत्तियों का दीप जलाया जाता है। इसकी विधि कार्तिक सोमवार के उपाय के वीडियो में मैंने बताया है, यानी कि पूरी रात इसे जलते रहना चाहिए। इस तरह इस दिए को पहले रात ही तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि बत्तियों को घी अब्सॉर्ब करने में टाइम लगता है, वरना ठीक से नहीं जलता। यह दीप जलाने से पूरे साल दीप जलाने का फल प्राप्त होता है। आदि लक्ष्मी मंत्र। सुरगण वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिनी वेदनते पंकजवासिनी देवस पूजित सद्गुण वर्षिनी शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मम। इस मंत्र में नोटिस किया आपने, चंद्र सहोदरी, लक्ष्मी देवी चंद्र की बड़ी बहन कहते हैं। छोटे भाई की आज पूजा करने से वे बहुत खुश हो जाती हैं। साथ ही उनका ऐसा खास मंत्र है जिसके जापने से वे अति प्रसन्न होती हैं। वो मंत्र है ओम चंद्र सहोदर्याय नमः। ओम चंद्र सहोदर्याय नमः, ये मंत्र उच्चारण करते हुए पूजा करें, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होंगे। एक और खास बात, आपको भगवान विष्णु की पूर्णिमा की कथा से याद आया है कि उन्होंने कुबेर जी को आदेश दिया था कि कार्तिक माह मनाने वाले को खूब धन दौलत प्रदान करें। इस तरह कुबेर मंत्र का जाप करें, धन दौलत और पैसों की आपकी हर इच्छा पूरी होगी। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवनाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि मे देहि दापय स्वाहा। अब महादेव के पुत्र रत्न, उनके सुपुत्र कार्तिक देव की पूजा करते हैं। कार्तिक देव को प्रसन्न करने के लिए यह भजन गाएं। हरे मुर्गा शिवा कुमारा हरो हरा हरे कंधा हरे कंधा हरो हरा हरे शन्मुखा हरे शन्मुखा हरो हरा हरे वेला हरे वेला हरो हरा हरे मुर्गा ओम मुर्गा हरो हरा। उनके कुछ प्रमुख मंत्र भी हैं जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम श्री स्कंदाय नमः, ओम शरवण भवाय नमः, ओम श्री सुब्रमण्यम स्वामिने नमः, ओम श्री षष्टिवल्लीयुक्त कार्तिकेय स्वामिने नमः। अब हम घर के मंदिर से उठकर चलते हैं बाहर, क्योंकि तुलसी मैया, चंद्रमा और एक खास विष्णु जी की पूजा करेंगे। तुलसी के आंगन में शाम को उनके समक्ष आमले का दिया जलाना चाहिए। इसकी विधि भी आमला नवमी के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है,
आमले को ऊपर से थोड़ा सा काटना चाहिए ताकि एक फ्लैट बेस बने। इस पर घी में डुबोया बत्ती जलाई जाती है। पौधे के समीप राधा कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। ओम तुलसी नमः मंत्रोच्चारण करते हुए उनकी पूजा करें। अब बारी है वन ऑफ द मेन पूजा की, यानी कि चंद्रोदय के बाद आंगन में या छत या कहीं पर जहाँ से चांद का दर्शन मिलता है वहाँ एक आसन बिछाकर उसकी साफ सफाई करके उसे रंगोली से सजाकर उस पर चांदी का एक बर्तन रखना चाहिए। इस चांदी की कटोरी में दूध भरना चाहिए। इसे इस तरह रखिए कि चांद की किरणें उस पर पड़े। इसके साथ ही आसन पर सफ़ेद रंग के फूल, जुड़वा केले, तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 1 रुपये का सिक्का और 1 सुपारी रखना चाहिए। दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाइए। ये सब चंद्रमा को नैवेद्य सा अर्पण करना चाहिए। जल में अक्षत यानी कि साबुत चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। हो सके तो चंद्र अष्टोत्तरम पाठ करें। इन मंत्रों का जाप करें। ओम श्रीम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः। ओम ऐं क्लीं सौ माया नमः। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। चंद्र का गायत्री मंत्र इस तरह है। ओम भूर्भुवः स्वः अमृतामगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। पूजा के बाद दूध को प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। इस तरह करने से आपके मन को शांति और आपके संतान की रक्षा भी होगी। महिलाओं को गर्भस्थ समस्याएं भी मिट जाएंगी। एक खास बात, देवोत्थान एकादशी को भगवान 4 माह के निद्रा के पश्चात जागते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही वे अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार धारकर शंखासुर का वध करते हैं, जिससे पृथ्वी पर पुनर्निर्वाण का कार्य आसान हुआ था। उसके प्रतीक हम जमीन में ही एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसे दूध से भरेंगे। गड्ढे में मोती या पीतल से बनी मछली डालकर उसकी पूजा करते हुए महामत्स्याय नमः मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूजा के बाद इस मछली को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। इससे आपकी सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और आपकी आमदनी भी आसमान छू जाएगी। अगर मोती या पीतल दोनों की मछली नहीं मिले तो मिट्टी का बना मछली प्रयोग करें और उसे जमीन में ही घुल जाने दीजिए। अब बात करते हैं 23 को करने वाली पूजा और नियमों के बारे में। सुबह उठते ही हेड बात करना चाहिए। नदी या समुद्र स्नान करना उत्तम है। ऐसा नहीं कर पाने से गंगा जल अपने स्नान के पानी में मिला लीजिए। ऐसे भी नहीं कर पाने से बाल्टी भर पानी को पहली रात चांद की किरणें उस पर पड़े ऐसे बाहर रख देना चाहिए और उसे बिना गर्म किए ही स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में हो सके तो गोमूत्र डालना चाहिए, खास करके कार्तिक पूर्णिमा के स्नान में। इससे हेल्थ वाइज काफ़ी लाभ होते हैं। स्नान के बाद संकल्प लीजिए कि आज आप पूर्णिमा का व्रत व पूजा करेंगे। देव आपको आशीर्वाद दें। स्नानानंतर स्वच्छ कपड़े पहने और मंदिर में दीप जलाकर पूजा कर लें। पूरा दिन उपवास करना चाहिए, इससे पूरा माह उपवास करने का फल मिलता है। इस दिन जो भी आप दान करते हैं उसका आपको कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि आप जो कुछ आज दान करते हैं वे आपके लिए स्वर्ग में सुरक्षित रहता है, जो मृत्युलोक त्यागने के बाद स्वर्ग में आपको प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सत्यनारायण व्रत रखने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि यह कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन है। ध्यान रखिए कि 23 के सुबह 8:30 से 9:30 तक दुर्मुहूर्त है, इसलिए उससे पहले ही हवन संपन्न कर लीजिए। अगर अर्ली मॉर्निंग हवन ना हो पाए तो 9:30 के बाद ठीक है, लेकिन याद रखिए फिर से, क्योंकि पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 11:09 को, तो इससे पहले ही कर लीजिए। और कृतिका का संचारण भी शाम के 4:41 तक ही है, तो उसके बाद आप व्रत खोल सकती हैं, वरना पूरे दिन रखकर अगले दिन भी व्रत खोल सकती हैं। 23 शाम के 4:30 से पहले ही घर के मंदिर में दीप जलाकर सभी देव देवताओं को नमस्कार करके उनकी प्रार्थना करें कि आपके आमंत्रण पर पूजा में शामिल होकर आपको आशीर्वाद देने के लिए शुक्रिया अदा करें और कहें कि वे अब अपने अपने स्थान प्रस्थान करें। और जब भी पूजा में उनका आमंत्रण किया जाएगा
तब तब वे अवश्य पधारे। इस प्रार्थना के बाद ही 441 के बाद आप अपना व्रत खोलें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान देना चाहिए। दान देते वक्त हाथ में जल अवश्य रखें। दान में दुधारू गाय और केला, खजूर, नारियल आदि फल दे सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को दान देने का तो फल मिलता ही है, साथ ही बहन, भांजे, बुआ आदि को भी दान देने से पुण्य मिलता है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः।